तो भाई साहब, अगर आप चाहते हो अपने डिवाइस में कस्टम रोम इंस्टॉल करना, तो आपको है चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय द वे, जोक्स अपार्ट, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आपको अपने डिवाइस में कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करनी है, स्टेप बाय स्टेप, ऑल स्टेप्स एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कुछ डिफरेंस वीडियो आने वाली है यहाँ पे, यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, जो कि सब कुछ एक ही वीडियो में होगा। तो वीडियो लास्ट तक देख लेना एंड आपको समझ में आ जाएगा हाउ टू इंस्टॉल कस्टम रोम इन एनी रेडमी डिवाइस। तो फर्स्टली थ्री थिंग्स होती है यहाँ पे। फर्स्ट, बूट लोडर अनलॉक करना। बूट लोडर क्या होता है बताऊंगा। उसके बाद होता है यहाँ पे TWRP रिकवरी इंस्टॉल करना एंड देन कस्टम रोम इंस्टॉल करना। तीन चीज़ें होती है। तो स्टार्टिंग विद बूट लोडर, बूट लोडर यानी यहाँ पे सिंपल भाषा में अगर बताओ तो आपको परमिशन लेनी होती है रेडमी की तरफ से, ताकि हम कस्टम रोम इंस्टॉल कर सके। तो उस परमिशन लेने का प्रोसेस जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, तो उसको आप देख लो। उसमें जो दिन लगते हैं वो 7 डेज लगते हैं, कोई भी यहाँ पे शॉर्टकट तरीका नहीं है, 7 डेज आपको रुकना ही होगा। सो आपको जो है कुछ फाइलें लगेगी, लाइक मैं यहाँ पे एक फोल्डर में डाल के रखी है DM वेरिफिकेशन फोर्स इंक्रिप्शन, जो कि इंक्रिप्शन के काम आता है, इतना भी नहीं जरूरी, ऑप्शनल है बट आपके पास होना चाहिए। उसकी लिंक आप, इन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे फर्मवेयर है जो कि रेडमी नोट 8 का है। यहाँ पे MI फ्लैश अनलॉक टूल है जिसके हम बूट लोडर अनलॉक करेंगे इसका यूज़ करके। ऑरेंज फॉक्स जो कि एक रिकवरी है। यहाँ पे TWRP ये भी रिकवरी है, इसको हम फ्लैश करेंगे लैपटॉप के थ्रू, उसके बाद ऑरेंज फॉक्स में स्विच होंगे ताकि हमें ज़्यादा फीचर्स देखने को मिले। यहाँ पे कस्टम रोम मैंने डाउनलोड करके रखी है। इन 5 फाइल्स का आपको काम है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्टली स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे जो मी अनलॉक टूल से। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको मैं डबल टैप कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है पूरा का पूरा। विनरार सॉफ्टवेयर लगेगा आपको, वो तो आपके इसमें होगा ही। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है जो अभी आपको करना है, जिस फोल्डर में करना है। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे इसको करके रखा है एक्सट्रैक्ट, तो मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे जो डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे करके रखा है, तो यहाँ पे जो मी फ्लैश अनलॉक जो यहाँ पे है इसको आपको ऑन करना है। इसका ही यूज़ करना पड़ेगा, आपको डेटा देना पड़ेगा अपने लैपटॉप को या PC को, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद इसको एग्री करना है एंड एग्री करने के बाद यहाँ पे जो है आपको उसी अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा जो अकाउंट आपने आपके फ़ोन में लॉगिन करा है, MI अकाउंट। सो फर्स्ट प्रोसेस है, आपको सेटिंग में जाना है एंड सेटिंग में जाकर आपको जो है सबसे पहले इसके डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है। तो सेटिंग में जाकर अबाउट फोन में जाएंगे एंड MI वर्जन पर आपको दबाना है बहुत बार, देन नाउ योर एंड डेवलपर आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। तो यहाँ पे जो है आपको एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे है। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको जो है OEM अनलॉक ऑन करना है, जो कि मैंने 7 दिन पहले ही कर लिया था, क्योंकि वीडियो बनाने की तो मैंने पहले ही परमिशन डाल दी थी, बट मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे कुछ करना है। उसके बाद यहाँ पे जो USB डिबगिंग को ऑन करना है, इसको भी आपको ऑन ही रखना है, उसके बिना नहीं होगा, आई एम अवेयर। एंड यहाँ पे ओके दबा देना है आपको। ओके देन डन। यहाँ पे जो है आपको जाना है मी अनलॉक स्टेटस में, और यहाँ पे जो है एग्री करने के बाद एड अकाउंट टू डिवाइस इसको आपको ऑन कर देना है, और इसके बाद आपका सब कुछ हो जाएगा। हाँ, एक बात और, यहाँ पे जो MI अकाउंट आपका लॉगिन होना चाहिए इसमें। ये जो यहाँ पे एक MI अकाउंट है मेरा, इसको आपको लॉगिन करके रखना है। इसी सेम अकाउंट को आपको लैपटॉप में भी करना है लॉगिन, तो मैं आपको दिखाता हूँ आपकी प्रोसेस कैसी कुछ है। तो देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो है लॉगिन कर दिया लैपटॉप में। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जो है पावर ऑफ करना है, नहीं पावर ऑफ, या फिर आप इसको बूट लोडर में भी डाल सकते हो डायरेक्टली। तो मैं इसको पावर ऑफ कर लेता हूँ फर्स्टली, एंड पावर ऑफ होने के बाद वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन प्रेस करके रखता हूँ, तो उसकी वजह से हम बूट लोडर में बूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बूट लोडर में आ चुके हैं। उसके बाद मैं इसको करूँगा प्लगइन, और यहाँ पे देखिए आप लैपटॉप पे ये प्लगइन हो जाएगा अभी। उसके बाद यहाँ पे चेक हो रहा है, चेकिंग डिवाइस स्टेटस। उसके बाद अनलॉक एंड यूज, यहाँ पे अनलॉक पे दबाना है हमें एंड अनलॉक एनीमी 3 यहाँ पे आएगा। उसके बाद अनलॉक एनीमी एंड फिर से आएगी एक नोटिस। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। अगर आप 7 दिन पहले होते तो यहाँ पे जो इन्होंने बताया होता कि आपको जो है 7 दिन रुकना पड़ेगा अनलॉक करने के लिए, तो अभी ये सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। तो अभी आपको एक और फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, वो है मिनिमल ADB फास्ट बूट, जो कि आपको यहाँ पे गूगल से डाउनलोड कर लेनी है। तो मेरे पास पहले से ही डाउनलोडेड है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डोंट वरी। तो मैं यहाँ पे मिनिमल ADB फास्ट बूट को इंस्टॉल करने के बाद
आपको वो मिल जाएगी विंडोज सी में। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो फाइल प्रोग्राम से यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मिनिमल एडीबी फास्ट बूट ये फोल्डर आ जाता है। तो यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे आपको करना है TWRQ को कॉपी, जो मैंने यहाँ पे करके रखा है GIN के जो मतलब रेडमी नोटेड इसकी जो है यहाँ पे कॉपीड है। तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे सिर्फ मिनिमल एडीबी फास्ट बूट को ओपन करना है। तो मैं सिंपली विंडोज़ दबाऊंगा एंड टैप करूंगा मिनिमल एडीबी फास्ट बूट। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अभी। तो मिनिमल एडीबी फास्ट बूट ओपन हो चुका है, आपको समझ गया होगा मिनिमल एडीबी फास्ट बूट को आपको इंस्टॉल करना है। उसके फाइल में जाकर यहाँ पे जो है आपको उसकी जो रिकवरी है जो हमने वहाँ पे डाली थी मतलब TWRP रिकवरी, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। एंड अभी आपको ओपन करना है इस मिनिमल एडीबी फास्ट बूट सॉफ्टवेयर को। तो सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आपको सिंपली अब क्या करना है, फिर से हमने पासबुक में डालना है फ़ोन को। तो अभी बात कर रहा हूँ रिकवरी के बारे में, रिकवरी कैसे इंस्टॉल करनी है, व्हाट इज़ रिकवरी, रिकवरी क्या होती है। तो यहाँ पे अगर देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर आपको किसी भी ऐप को इंस्टॉल करना है तो आपके फ़ोन में जो है एक ऐप इंस्टॉलर होता है, APK इंस्टॉलर होता है जिसके थ्रू आप ऐप इंस्टॉल करते हो अपने डिवाइस में। तो वैसे ही अगर आपको कस्टम रोम या फिर कोई भी UI बोल रहा हूँ मैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए एक इंस्टॉलर लगेगा एंड उस इंस्टॉलर को कहते हैं रिकवरी इन द डेवलपर लैंग्वेज। तो आपको रिकवरी यहाँ पे इंस्टॉल करनी होगी, हर डिवाइस की अलग अलग होती है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है रेडमी नोट 8 के लिए। एंड आपने डिवाइस के लिए आप गूगल पे जाओ एंड सर्च करो रिकवरी फॉर दिस डिवाइस तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने फास्ट बूट में डाल दिया फिर से अनलॉक होने के बाद एंड इसको प्लग इन कर लिया है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है फास्ट बूट डिवाइसेस एंड स्पेलिंग्स वगैरह चेक कर लेना। यहाँ पे देखिए फास्ट बूट लिख के आ गया, मतलब हमारा जो डिवाइस है कनेक्टेड है। अभी आपको टाइप करना है DIR एंड इन सारी प्रोसेस को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिखी हुई। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ से नाम कॉपी कर लेना है जो कि TWRP JIN कोजी वाली है, इसको आप यहाँ पे कर लीजिए कॉपी Ctrl+C। नाउ आपको टाइप करना है सिंपली फास्ट बूट / रिकवरी, उसके बाद जो है आपको स्पेस देने के बाद Ctrl+V कर देना है जो कि हमने यहाँ पे टाइप करता एंड एंटर दबा देना है। तो यहाँ पे जो है ये वाली हमारे डिवाइस में हो जाएगी इंस्टॉल एंड इसके बाद आपको दबाना है एग्जिट। तो डन, यहाँ पे जो अभी आपको क्या करना है सिंपली पावर अप और पावर बटन को दबा के रखना है कंटिन्यूसली, वॉल्यूम अप और पावर बटन को, तो आप TWRP में बूट हो जाओगे। स्टील आपको दबा के रखना है जब तक आपको TWRP दिखता नहीं है, वरना आप यहाँ पे बूट नहीं होगे। तो यहाँ पे जो देखिए मैं यहाँ पे TWRP में बूट हो चुका हूँ, तो मैं अगली प्रोसेस आपको अभी बताता हूँ। तो फाइनली आ चुका हूँ यहाँ पे कस्टम रोम इंस्टॉल करने पर एंड यहाँ पे देखिए रिकवरी के बाद मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में जा रहा हूँ बिकॉज मुझे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी पसंद है। यहाँ पे बहुत सारी रिकवरी अवेलेबल है, आप किसी भी रिकवरी के साथ जा सकते हो, अपनी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है। अगर आप स्टार्टिंग के यूज़र हो, आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो TWRP या फिर ऑरेंज फॉक्स इन दोनों में से ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पे जो है इसके प्रॉब्लम्स के वीडियो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। बाकी किसी रिकवरी के साथ जाना मत, यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो सिंपली मैंने इस डिवाइस में इंसर्ट कर दिए मेरी मेमोरी कार्ड जिसमें मैंने ऑरेंज फॉक्स और कस्टम रोम और यहाँ पे जो है फर्मवेयर डाल दिया है। तो अभी इसको मैं करूँगा स्वाइप टू अनलॉक। तो यहाँ पे जो है आपको स्वाइप टू ऑल द मॉडिफिकेशन करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले जो बात करनी है वो यहाँ पे वाइप में जाने हैं और उसके बाद एडवांस वाइप पे जाने के पहले फॉर्मेट डेटा करना है आपको, यस टाइप करना है एंड डन। फॉर्मेट डेटा करने से आपका जो है TWRP नहीं जाएगा। अगर आप फॉर्मेट डेटा नहीं करते हो तो आपका जो है डायरेक्टली आप बूट हो जाओगे फिर से अपने ओरिजिनल में, तो आपको बहुत दिक्कत जाएगी। तो उसके बाद आपको जो करना है बैकअप कर लेना है सभी सिस्टम और इसको मेमोरी कार्ड में अगर आपको करना है तो। अभी मुझे करना नहीं है फिलहाल के लिए, तो मैं वाइप में जाऊंगा, फिर से एडवांस वाइप में जाऊंगा। यहाँ पे जो वेंडर सिस्टम कैचे डेल्विक कैचे डेटा इंटरनल स्टोरेज को नहीं करूँगा वाइप, इन सारी चीज़ों को वाइप करने के बाद स्वाइप टू वाइप कर दूंगा एंड ये सब कुछ अब वाइप हो जाएगा। तो वाइप हो जाने के बाद सिंपली बैक आऊँगा, इंस्टॉल पे जाऊँगा एंड यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा स्टोरेज जो कि मेरा है SD कार्ड में एंड इसको ओके करूँगा। इसके बाद मुझे जो इंस्टॉल करना है यहाँ पे, सबसे पहले मुझे इंस्टॉल करनी है ऑरेंज फॉक्स को फ्लैश कर दूंगा एंड अभी वेट करते हैं, डायरेक्टली ये बूट हो जाएगा ऑरेंज फॉक्स में। अभी ऑरेंज फॉक्स में बूट हो चुका है एंड अभी आपको इसको भी कर देना है स्वाइप टू ऑल द मॉडिफिकेशन एंड डन। अभी आपको फिर से जाना है SD कार्ड में एंड यहाँ पे जो है आपका सब कुछ डेटा है। तो मैं सबसे पहले
करना चाहूँगा यहाँ पे जो है हमने सब कुछ वाइप कर दिया सिस्टम वगैरह, तो आपको यहाँ पे जो है फॉर्मवेयर को इंस्टॉल कर लेना है सबसे पहले। फॉर्मवेयर यानी ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स को हम इंस्टॉल कर लेना सबसे पहले। ड्राइवर्स को इंस्टॉल होने के बाद आपको बैक आना है, उसके बाद आपको जो है आपकी जो कस्टम रोम है इसको इंस्टॉल कर लेना है स्वाइप टू इंस्टॉल। तो ये अभी वेट करते हैं हमें इंस्टॉल होने तक। तो सिंपल सी प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है कस्टम रोम इंस्टॉल हो चुके हैं, सिंपली आपको वाइप करना है कैचे, उसके बाद आपको रिबूट नहीं करना है, बैक आना है। यहाँ पे जो बैकअप का सेक्शन है उसके बाद वाइप का सेक्शन है, यहाँ पे आपको फॉर्मेट डेटा मिल जाएगा। फॉर्मेट डेटा मिल जाने के बाद यस कर दीजिए, एंड फॉर्मेट डेटा करने के बाद अब आपका सब कुछ हो चुका है, एंड आपको करना है अभी रिबूट टू सिस्टम। यहाँ पे रिबूट टू सिस्टम दबाता हूँ, एंड अभी आप वेट करिए, आप सिस्टम में रिबूट हो जाओगे। तो यहाँ पे हम कस्टमर रूम में बूट हो चुके हैं। तो कैसी लगी वीडियो आपको? आई होप आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, एंड और एक वीडियो आएगी जो कि डीप नॉलेज होगा कि कस्टम रोम यूजर को क्या क्या ध्यान में रखना है, तो उसके बारे में भी बात करूंगा। तो आप कमेंट में कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ही वो वीडियो आएगी, वरना वो वीडियो नहीं आएगी। हाँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने, एंड वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, कमेंट भी कर दी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड, एंड मिलूंगा आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया होगा।